हेलो गाइस, वेलकम टू दी सौंदर्य नर्सिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन पढ़े थे, हार्मोन्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो पार्ट वन का वीडियो में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लो, तो ही आपको एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस के बारे में जो है डिटेल में पता चलेगा, मीन्स सभी अंडरस्टूड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट विद द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस में हेल्प करता है अलॉन्ग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इंटीग्रेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम। सेकेंड फंक्शन है हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हमें ग्रोथ करने में और डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है। ग्रोथ मीन्स मसल्स या फिर बोन्स, ठीक है, बोन्स मसल या फिर हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सभी ऑर्गन्स को या फिर बोन को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंड थर्ड वन इज़ ए प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हम जो भी खाना खाते हैं पीते हैं सभी प्रॉपर डाइजेशन होता है एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड देन हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और क्या करता है एंडोक्राइन सिस्टम? हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है, मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी रहते हैं तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प अ पर्सन टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है तब जो है काम रहने के लिए, शांत रहने के लिए जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है हेल्प करता है। हेल्प अ पर्सन टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। देन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड वॉल्यूम एंड इट्स कंपोजिशन। और बॉडी फ्लूड के वॉल्यूम में हेल्प करता है एंड आल्सो कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन एंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में रेगुलेट करने में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड वॉल्यूम एंड इट्स कंपोजिशन। हमारे बॉडी फ्लूड वॉल्यूम टोटल 60% रहती है, हमारे बॉडी में फ्लूड जो है 60% रहता है एंड इट्स कंपोजिशन ऑफ द एंड इट्स कंपोजिशन मीन्स इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हम? टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये 1 मार्क्स में भी पूछने वाला क्वेश्चन है। मास्टर ग्लैंड मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन एक किधर प्रेजेंट रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन दी हाइपोफिशियल फोसा बिलो दी हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट इन दी हाइपोफिशियल फोसा बिलो दी हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन दी हाइपोफिशियल फोसा बिलो दी हाइपोथैलेमस। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड हाइपोफिशियल फोसा बिलो दी हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हमारा ब्रेन है एंड दिस वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन दी हाइपोफिशियल फोसा बिलो दी हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फाइनल शेप में रहता है, अटैच द पिट्यूटरी ग्लैंड। और किससे अटैच रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। मेजरिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड को मेजरिंग करेंगे तो 0.51 ग्राम इन वेट और 500 mg इन वेट। शेप जो है पिया शेप रहता है एंड इट्स हेल्प टू मैच पिट्यूटरी ग्लैंड। इट कंसिस्ट टू मेन पार्ट्स मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है विद द डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। टू टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्लैंडुलर टिश्यू को कंपोज करता है एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है नर्वस टिश्यू को कंपोज करता है। देन
देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्वस बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमस के बिटवीन के नेटवर्क वो हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्वस बिटवीन द हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंड दिस आर नेटवर्क ऑफ द नर्वस टिश्यू, नेटवर्क ऑफ द नर्वस टिश्यू.